एक लड़का था उत्तराखंड का प्रो राइडर भाई, उसकी डेथ हो गई। डीमोटिवेट नहीं होना है आपका, मनोज भाई भी इसी जंगल झाड़ से ही स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, ठीक है? कभी यहाँ बना लेता था पत्थर में बैठ के, कभी उधर। सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए जो है ना काफी बढ़िया अपडेट लेके आई, जो कि 3-4 अपडेट है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले थारा भाई जोगिंदर के बारे में, जो कि इन्होंने एक स्टोरी लगाया था और उस स्टोरी में प्रो राइडर 1000 को लेकर क्या के आप खुद से देख लीजिए। एक लड़का था उत्तराखंड का प्रो राइडर भाई, उसकी डेथ हो गई और भाई मेरे से देखा नहीं गया। मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल, बहुत ही ज्यादा मैं उसकी फैमिली के साथ खड़ा हूँ, सुख में दुख में। बट मैं हिंदुस्तान की पब्लिक से एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम लोग आज स्टोरी डाल रहे हो, कमेंट कर रहे हो कि भाई आई मिस यू, भाई वापिस आ जा, कहाँ थे तुम लोग तब? बेचारा वो बच्चा वीडियो बनाता था मोटरसाइकिल ले जाके, तुम लोग कमेंट क्या करते थे नीचे कि भाई 250 की स्पीड में अपनी बाइक को भगाओ, भाई रेस करो हाईवे पे जाके। तुम लोगों की वजह से गया बेचारा वो अपने माँ बाप से दूर, उनके माँ बाप के दिल में क्या बीत रही होगी। तुम लोगों को खुश करने के लिए ये मोटो ब्लॉगर वीडियो बनाता ताकि तुम लोग खुश हो, तुम लोग कुछ देख सको हिंदुस्तान के हर एक कोने को। बट तुम लोग पता क्या करते हो भाई, बाइक को भगाओ भाई, रेस करो भाई, बाइक को घुमाओ। अगर आप लोग ऐसा करोगे ना तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे अभी मोटो ब्लॉगर, कल को तुम लोग उनको भी बोलोगे। एनीवेज अब चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, और इस अपडेट में अपन बात करने वाली है मनोज दे के बारे में। तो मनोज दे ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो दिखाया कि जब वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, तब जो है ना वो एक जंगल में जाकर अपना दोस्तों का फोन मांगकर किसी एक जगह पे बैठकर वीडियोस बनाया करता था, और वो कौन सा जगह था आप खुद देख लीजिए। तो अभी भी जैसे मैं वीडियो बना रहा तो कोई नहीं, तो आप सबके साथ ये कहानी बहुत जो है रिलेट करेगा, बहुत कोई ऐसे होंगे जो कि अभी भी जंगल झाड़ में जाकर के वीडियो बनाते हो। तो आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है, आपका मनोज भाई भी इसी जंगल झाड़ से ही स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, ठीक है? कभी यहाँ बना लेता था पत्थर में बैठ के, कभी उधर, कभी हमारा दोस्त लोग यहाँ पर जब क्रिकेट वगैरह खेलता था तो मैं थोड़ा सा आगे चला जाता था, उधर रास्ता है, एक तालाब है, उधर जाकर के जंगल साइड में जाकर के वीडियो बनाता था। तो मेहनत किया है भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लगा है एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए। सक्सेसफुल आप मानो ना मानो, मैं अपने आप को मानता हूँ कि आज के डेट में हाँ यूट्यूब पे मेरा सही है, मैं अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा हूँ यूट्यूब के जरिए। सो गाइस, अगर ये पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, और इस अपडेट पे अपन बात करने वाले R2H यानी कि राउंड टू हेल के बारे में। तो गाइस, राउंड टू हेल का न्यू वीडियो आ चुका है, और उस वीडियो में ना वन डे में 9 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस कर चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एनीवेज, आज का अपडेट इतना ही, अब मिलते हैं नए किसी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।